उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक और वीरता से भरे शहर झांसी को ऐतिहासिक और वीरता से भरे शहर और ये राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से लगभग 400 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो शहर की अर्थव्यवस्था को और भी मजबूत कर रहे हैं, जिसके चलते झांसी की जीडीपी लगभग 7.5 बिलियन डॉलर के आसपास है। झांसी हवाई सेवा के विस्तार के लिए भी चर्चाओं में है। झांसी की संस्कृति बुंदेली परंपराओं से भरी हुई है। झांसी का किला, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में रानी लक्ष्मीबाई की वीरता की गाथा गाता है। रानी लक्ष्मीबाई का महल। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे और फिट फाट होंगे। तो क्या समाचार है? तो दोस्तों, आज जो वीडियो को मैंने सिलेक्ट किया है रिएक्शन के लिए, बड़ी मज़ेदार वीडियो है। जिस शहर का नाम हमने बहुत सुना है और मुझे ये वीडियो मेरे सामने आई तो मैंने फौरन से प्लान बनाया इस पर रिएक्शन बनाने का। तो ये सिटी है झांसी सिटी, झांसी सिनेमैटिक वीडियो, और ये वीडियो ली गई है मोस्ट अमेजिंग क्लिप्स चैनल से। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा, चेक कीजिएगा और मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो हम बिना किसी देर के चलते हैं रिएक्शन की तरफ, वीडियो की तरफ, और वीडियो के बाद स्टार्ट करेंगे रिएक्शन। सो लेट्स स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोस्ट अमेजिंग क्लिप्स चैनल पर। आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक और वीरता से भरे शहर झांसी को। ऐतिहासिक और वीरता से भरे शहर। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं शहर की लोकेशन की। तो झांसी उत्तर प्रदेश के दक्षिणी हिस्से में स्थित बुंदेलखंड क्षेत्र का प्रमुख शहर है, जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा के नजदीक बसा है। झांसी का क्षेत्रफल लगभग 160 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और ये राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से लगभग 400 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हाल के वर्षों में झांसी का इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से विकसित हो रहा है। स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत शहर को आधुनिक तकनीकी और सेवाओं से लैस किया जा रहा है। झांसी में बेहतर सड़कों, फ्लाईओवर्स और हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के साथ साथ नए व्यावसायिक हब भी बनाए जा रहे हैं, जो शहर की अर्थव्यवस्था को और भी मजबूत कर रहे हैं, जिसके चलते झांसी की जीडीपी लगभग 7.5 बिलियन डॉलर के आसपास है, जो इस क्षेत्र के विकास का प्रतीक है। झांसी की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि, छोटे उद्योगों और व्यापार पर आधारित है। लेटेस्ट डेटा के अनुसार झांसी की कुल जनसंख्या लगभग 7 लाख है और यहाँ की प्रमुख भाषा हिंदी है, लेकिन बुंदेलखंडी बोली का भी यहाँ पर खासा प्रभाव है। झांसी एक प्रमुख रेलवे जंक्शन है, जहाँ से उत्तर भारत के कई बड़े शहरों के लिए ट्रेनें चलती हैं। इसके अलावा शहर में अच्छी बस सेवाएं और सड़क नेटवर्क भी है, जो आसपास के इलाकों को जोड़ता है। झांसी हवाई सेवा के विस्तार के लिए भी चर्चाओं में है। झांसी की संस्कृति बुंदेली परंपराओं से भरी हुई है और लोग बेहद ही सरल और मिलनसार हैं। यहाँ के लोग स्वादिष्ट बुंदेली व्यंजनों का आनंद लेते हैं, जिनमें बाटी चोखा, कढ़ी, बुंदेली ठेठ खाने के रूप में प्रमुख है। और घूमने के लिए झांसी का किला, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में रानी लक्ष्मीबाई की वीरता की गाथा गाता है। रानी लक्ष्मीबाई का महल और बारवा सागर झील जैसी ऐतिहासिक जगहें पर्यटकों को आकर्षित करती हैं, इसलिए झांसी को पर्यटन और औद्योगिक हब के रूप में भी विकसित करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं, जो आने वाले समय में शहर की आर्थिक स्थिति को और भी मजबूत करेंगे। तो दोस्तों, ये थी झांसी शहर की दिलचस्प जानकारी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसे ही और वीडियोस मिलते रहें। फिर मिलेंगे एक नए शहर की कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। भैया, मैंने जो चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है इनका, और मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इनका भी चैनल चेक कीजिएगा, ज़रूर जाइएगा इनके चैनल पे। बड़ी मज़ेदार इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाते हैं ये मुख्तलिफ सिटीज़ के बारे में। और इसके साथ साथ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा भी चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो आते हैं हम रिएक्शन की तरफ। रिएक्शन की बात ये है भैया कि झांसी की, अब ये वीडियो थोड़ी सी शॉर्ट थी, बट ये है कि हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो इसकी हिस्ट्री जो है वो ठीक ठाक रिच है। जैसे इन्होंने रानी लक्ष्मीबाई की बात की, तो अक्सर मूवीज़ में भी ये डायलॉग सुनने को मिलते हैं, हाँ तुम बड़ी झांसी की रानी हो। तो बेसिकली जो है वो मैंने इसके लिए वीडियो सेलेक्ट की थी कि ये देखूं तो सही कि ये सिटी कैसा है, जिस पे जो है इतने बड़े बड़े लोग जो हैं वो राज करके गए हैं इसकी हिस्ट्री में। और मतलब वीडियो से मुझे देख के लगा कि वाकई जैसे महल, इतने बड़े बड़े ग्रेंजर किस्म का महल दिखाया गया है। और इसके अलावा जो है वो मुझे एक चीज़ की बड़ी हैरानी हुई, मैं उस पर मतलब तारीफ भी करना चाहूँगा, और वो ये कि माशाल्लाह कुछ 6 बिलियन डॉलर के आसपास जो है वो
इसकी जीडीपी है सिटी की, जो कि मतलब एक ठीक ठाक किस्म का हैंडसम अमाउंट है। और डेवलपमेंट के हिसाब से अगर देखा जाए तो मतलब ठीक ठाक डेवलपमेंट है। मैं अगेन बात करना चाहूँगा कि पीएम नरेंद्र मोदी के दौरे हुकूमत में इंडिया ने, इंडिया जिस तरह फला फूला है उसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। छोटे छोटे गांव से लेके बड़े बड़े शहर तक जो है वो कनेक्टिविटी पे सबसे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, जो कि किसी भी मुल्क की ट्रेड को तरक्की देने में एक बड़ा, क्या उसको कहेंगे कि बड़ा, बहुत बड़ा माइलस्टोन है या बहुत बड़ा पार्ट है उसके लिए कि कनेक्टिविटी जो है वो स्मूथ होनी चाहिए। आई एम सॉरी। और चाहे छोटी ट्रेड्स हों या बड़ी ट्रेड हों, छोटे बिजनेस हों या बड़े बिजनेस हों, लेकिन ये है कि आप जब कनेक्टिविटी अच्छी करेंगे या अच्छी कनेक्टिविटी जब प्रोवाइड होती है तो वो छोटे छोटे बिजनेसेस को भी जो है वो फलने फूलने का बड़ा अच्छे तरीके से मौका मिलता है कनेक्टिविटी अच्छी होने की वजह से। और मतलब रेल कनेक्टिविटी भी है, जंक्शन है, उसके बाद जो है वो एयर कनेक्टिविटी भी बहुत ज़बरदस्त है। फिर सबसे ज़्यादा जो इम्प्रेसिव है वो रोड कनेक्टिविटी है। और इसके साथ साथ खाने, कल्चर, हिस्ट्री, मतलब फुल फ्लैश पैकेज किस्म का सिटी है ये, जो कि जिसको देख के मैं तो बहुत इम्प्रेस हुआ हूँ। तो मेरा रिएक्शन दोस्तों यहीं तक रहेगा। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि मुझे आप अपने रिव्यूज़ ज़रूर देंगे कमेंट सेक्शन में, और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और वीडियो पे भी रिएक्शन करूँ तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, सजेस्ट कीजिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा उस पर रिएक्शन करने की। और अब अगर अभी तक आप चैनल पे हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है कि यार अब तो बनता है चैनल को सब्सक्राइब करना। तो थैंक यू सो मच। और अगर अभी तक आप देख रहे हैं इस वीडियो को, हम नेक्स्ट किसी वीडियो में नए रिएक्शन के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय।